दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने आया हूँ। ये जो शॉप पड़ती है ये भीतर गांव में पड़ती है और ये हमारे रफीक जी हैं। काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, समथिंग 2 से 3 साल हो गए हैं और आज अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप को चला रहे हैं। इनके अलावा और भी इनके बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। तो इस शॉप में इनके पास जितने भी आस पास एरिए के जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन रिपेयर होने के लिए आते हैं, उनको ठीक करके देते हैं। आसपास के बहुत सारे गांवों से दूर से लोग कनेक्टेड हैं जो यहां पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने कराने के लिए आते हैं। वो इस उम्मीद के साथ में आते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं बनेगा वो मोबाइल फ़ोन यहां पर बन जाएगा। तो रफीक जी, आप बताइए जरा अपने बारे में थोड़ा सा। ये मेरी दुकान भीतर गाँव में पड़ती है, कानपुर जिला में, और यहाँ पर मतलब रिपेयरिंग का जो काम होता है मेरे यहाँ अच्छा काम होता है। मतलब कस्टमर तो आते ही हैं संतुष्टि से, दुकानदार भी मेरे यहाँ मतलब काफ़ी दुकानदार आते हैं जो अपना मोबाइल यहीं बनवाते हैं। और मेरे अगर दुकान में मोबाइल नहीं बनता तो कस्टमर सागर मार्केट जाते हैं तो वहाँ से भी आते हैं तो बताते हैं भैया बना ही नहीं आपकी दुकान में। वहाँ से वापस ऐसा है कि काफ़ी मोबाइल वहाँ से जो आते हैं वापस तो मेरी दुकान में काम बन जाए। हाँ, बहुत सारे मोबाइल इधर बनते हैं। कितने साल हो गए आपको इस लाइन में काम करते करते? अरे सर, यहाँ पे करीब मोबाइल का काम करते करते हमको 2011 से मैं कर रहा हूँ। 2011 से मोबाइल फोन के लाइन में जुड़े हुए हैं और 13 साल हो गए करीब। सर्जी से जुड़े करीब 5 साल से सर्जी से जुड़े हो गए। 5 साल उन्होंने ही काम सिखाया हमको मोबाइल का, आईसी वगैरह डिस्प्ले टच डालना, आईसी मतलब रिबोलिंग करना, सब ये काम सारा सर्जी ने मुझे सिखाया। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग लिया और जिस तरीके से अपनी शॉप को चला रहे हैं। और इसके अलावा और भी अपने क्या क्या काम करते हो आप बताइए जरा थोड़ा सा, ताकि लोगों को, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना कि जिनके अलावा आज उनके इस लाइन में और भी बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि आजकल वो उभरता हुआ क्षेत्र में नया है। हर एक आदमी चाहता है कि बिजनेस के लाइन में नई नई चीज़ों को ट्राई करना, ताकि अगर एक बिजनेस चल रहा है तो आदमी चाहता है कि पार्लर में हमारा एक और बिजनेस चले। बताइए सर। मोबाइल काम में ये मान लो एक आज 90% तो काम होता है, 10% तो काम मतलब कोई दुकानदार नहीं कर सकता। 90% में मतलब कोई भी जैक है, जैसे सिम जैक, मेमोरी जैक, चार्जिंग जैक या चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू आईसी, नेटवर्किंग आईसी, पीओ, मतलब जितनी भी आईसी होती है पूरा 90% काम होता है मेरे यहाँ पर। परफेक्ट कस्टमर संतुष्ट हो कि मेरे पास से जाता है, मतलब कोई आता क्या मेरे यहाँ से संतुष्ट हो गए कस्टमर नहीं है। तो इस तरीके से अपने शॉप को चलाते हैं। अगर आप देखेंगे ये पूरा सेटअप बना रखा है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग होने के लिए आते हैं, उन मोबाइल फ़ोन को देते हैं, यहाँ तक कि दुकान वालों के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये सारा सब कुछ काम होता है सर, रिपेयरिंग का पूरा सेटअप है। और मेनली जो सर का फोकस है वो एक ही लाइन पे है कि रिपेयरिंग के लाइन पे है, कि रिपेयरिंग के काम को अच्छा किया जाए। और इनके पास बहुत सारे जैसे माइक्रोस्कोप है, बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, लोग इन्हीं टूल्स से काम करना प्रेफर करते हैं, लेकिन इतने पुराने टाइम से काम कर रहे हैं कि बताते हैं कि सर मेरी आंखें इतनी मजबूत हैं कि हमारे पास बहुत ऐसे काम आते हैं वो मैं जनरली ऐसे यूँ ही कर लेता हूँ, और अब मैं और भी नए नए सारे टूल्स है, इक्विपमेंट जो आ रहे हैं उन चीज़ों को भी अपडेट करूंगा, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सभी चीज़ का काम करते हैं। इसके अलावा जितना भी मोबाइल फ़ोन के अंदर एसेसरीज आता है उन सब का भी सेल का काम करते हैं, तो पूरा कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स लोग आते हैं वो लोग सीख करके अपना काम करते हैं, और हम लोग भी उनकी शॉप पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, दुनिया जान में मैंने देखा हुआ है कि लोग सिखाने को, सीखने के बाद जैसे उनका कोर्स खत्म होता है, बच्चों ने फीस ली, उसके बाद उनका जिंदगी भर का रिलेशन खत्म हो जाता है, लेकिन कभी भी वो नीचे बैकग्राउंड में जाकर के नहीं मिलते अपने स्टूडेंट से थे कि उसका स्टूडेंट कैसे काम कर रहा है, उसका बच्चा कैसे काम कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसको मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर उसको हमेशा अपडेट करके नहीं रखेंगे, उसको मदद नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं बढ़ पाएगा। जब तक वो नहीं बढ़ पाएगा तो हमारे सारे बच्चे सीख के अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसीलिए मैं शॉप विजिट पे आया था, ताकि संडे का दिन होता है तो मैं सभी बच्चों के शॉप पे जाता हूँ। जो लोग ऐसे आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लाइन में जुड़े हुए हैं, जो हमसे कनेक्टेड हैं, तो हमारी शॉप उनको अपने शॉप पे हमको बुलाते हैं कि सर हमारी शॉप पे आइए, कोई हमको गाइडेंस करिए, कोई हमको तरीका बताइए, या कोई कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनको अपने बच्चों को सोल्यूशन देते हैं। इसी बहाने हमको एक अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है कि हम उस चीज़ को ले करके जितने भी बच्चे जो नए सीखने वाले हैं उन पे हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं कि देखिए वो लोग ऐसे सीख करके आज अपना काम कर रहे हैं, अपना फ्यूचर को सिक्योर कर रखा है। तो आप लोग भी इसी के, आपको भी ऐसे काम करना है, कोई दिक्कत ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो में। और ये हमारे रफीक जी हैं, ये साथ में सभी लोग मिल करके काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।